वाराणसी से हैं मोहम्मद शाहिद, स्वागत है आपका। सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम सलाम। हाँ, ये पपीते का पत्ता जो होता है किस मरज में काम आता है? अच्छा देखिए, वैसे तो इसे लोग फेंक दिया करते थे, कभी इसका कोई इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन जब से मैंने बताया कि ये खून को गाढ़ा करता है और प्लेटलेट्स को ज़रूरत के मुताबिक करता है, तब से इसका इस्तेमाल होने लगा। हम भी इसका प्रोडक्ट बनाते हैं पपीया लीफ के नाम से। ये जो ऐसे बीमारियां जिसमें खून पतला हो जाता है और प्लेटलेट्स गिर जाते हैं, अगर एक 4 इंच का पत्ता हम खा लें दिन में 1 या 2 बार, चबा के खा लें, पीस के पी लें, तो ये दुनिया की सबसे तेज़ असर दवा मेरे अनुभव में आई है। और ये मैंने ही सबसे परिचित कराया है कि किसी की प्लेटलेट्स कम हो जाएं, यानी खून पतला हो जाता है ज़रूरत से ज़्यादा, तो वो अगर ये नुस्खा खाए तो ये दुनिया भर की दवाओं पर घरेलू नुस्खा है, कुछ पैसे खर्च होते नहीं, भारी है, और 2-4 दिन में ही आप या 1 दिन में ही अच्छे नज़र आने लगते हैं। आप चेक कराते हैं अगर, तो आपको हैरत अंगेज फ़ायदे नज़र आते हैं। पता नहीं डॉक्टर्स को ये बात मालूम है नहीं है, क्योंकि इस रोग में लोग बकरी का दूध देते हैं और क्या क्या देते हैं, ग्लोए देते हैं और इंजेक्शन और दवाएं बहुत हैं, लेकिन मैंने अपने अनुभव में पाया कि इससे बेहतर पूरी दुनिया में कोई दवा नहीं, घरेलू नुस्खा है, पैसे खर्च नहीं होते, बहुत ही मैं कामयाब दवा समझता हूँ। शशि जी स्वागत है आपका। पुष्टि का है, वो गले में आज भी नहीं है, कई महीने हो गए उसे, 6-7 महीने। मेथी का पानी छोटा डाल के आपने बताया था, वो भी दे रही है, और वो और खाते टाइम ज्यादा करती है सर, पर उस लड़की को सही कर दो, वो धन्यवाद है। और ये जो साथ में दे सकते हैं, जो बता दिया, जैसे मिट्टी का पानी दे रही हूँ, जो नाम विस्तान अलसी बताते हैं आप, तो वो दे सकते हैं साथ में अलसी के पानी के, मिट्टी के पानी के साथ ही नहीं दे सकते हैं, जैसे 1 घंटे का गैप करके। और वो आपने बताई थी कि वो जो पहले खस्ती सही हो गया था, वो लीवर की वजह से लीवर फैक्ट्री भी हो गया था, पहले वजन बहुत बढ़ता इस लड़की का, जो चावल बंद कर रखे, खटाई उठाई सब बंद कर रखी, अगर मैदा की कोई चीज खाए तो और ज्यादा वजन बढ़ता है चावलों का इसका, और वो 8 साल की है और 50 किलो सर इसका, बहुत ही परेशान है लड़की, मम्मी भी है लड़की की तरफ से। जी ठीक, देखिए अगर थायराइड है तो थायराइड का इलाज कराना होगा, और थायराइड नहीं है तो इसको खूब मेहनत कराइए, इससे चलना फिरना, भागना दौड़ना, ऐसे कोई गेम खेले। अच्छा समझ लीजिए कि अगर थायराइड है तो धनिया 300 ग्राम, मेथी का दाना 100 ग्राम और आंवला 100 ग्राम ये ले, इसको पाउडर बना लें, इसका 1 चम्मच खाना है रोज़ाना सुबह खाली पेट, और थायराइड की दवा चल रही हो तो वो भी ले सकते हैं, और 1 चुटकी नमक जैतून और 1 चुटकी खाने का सोडा, 2 गिलास पानी मिलाकर, अगर गर्म पानी हो तो बहुत अच्छा, थोड़ा सा इसे पिला दिया करें, दिन में 1 बार बस काफ़ी है। ये नुस्खा थायराइड नहीं है तब भी लें, ये वज़न को काटने का भी नुस्खा है, थायराइड का भी नुस्खा है, और ये जो ग्लैंड्स है ना, ये जब तक ठीक नहीं होंगे गले के, वहाँ पर एलर्जी है, तो जब तक इसको फ़ायदा मुमकिन नहीं है। मेहनत कराया करिए इससे, सब मेहनत के काम कराया करिए, और वो सपिस्तान वाला नुस्खा दे सकते हैं ना, और लेकिन ज़्यादा वेट ना बढ़े, खुराक पर कंट्रोल करें, जितनी खुराक है इसकी उससे आधा खुराक खाया करें, 1 घंटा पैदल चला करें, और 5 बार गर्म पानी पिया करें।